वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSA एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी की बात है, सर्टिफिकेट की हुई जांच, जल्द होगा वेतन भुगतान। अररिया का न्यूज़ है ये, कुर्साकांटा से। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नव नियुक्त शिक्षकों को जल्द ही वेतन भुगतान किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने DPO स्थापना को निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि पिछले माह नियुक्त शिक्षकों का शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच कर ली गई है। इन शिक्षकों को अप्रैल माह में उनका लंबित वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी कि अगर कुर्साकांटा में जांच हो चुका है तो यह कह सकते हैं कि बाकी अन्य ब्लॉक में भी या अन्य जिलों में भी जांच हो गया होगा। आज मिलेगा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। DPO ने नियोजन इकाइयों को दिया निर्देश। प्रखंडों में BRC में बांटा जाएगा लेटर। देख सकते हैं, ये मुजफ्फरपुर से न्यूज़ है। प्रखंडों के BRC में सोमवार को चौथे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। DPO स्थापना जमालुद्दीन ने सभी नियोजन इकाइयों को इस संबंध में निर्देश दिया है। नियुक्ति पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल में योगदान कर लेना है। छठे चरण की शिक्षक बहाली में 3 अलग अलग चरणों में हुई काउंसलिंग के बाद भी ऐसी नियोजन इकाई जहां काउंसलिंग से अभ्यर्थी वंचित रह गए थे, वहां विशेष चक्र के तहत चौथे चरण की काउंसलिंग कराई गई थी। शिक्षक नियोजन 19-20 के लिए चौथे चरण में साहेबगंज, मोतीपुर और औराई की पंचायतों में काउंसलिंग हुई। इसके तहत साहेबगंज प्रखंड के 26 चयनित अभ्यर्थी मोतीपुर प्रखंड की पंचायत नियोजन इकाई जसौली में 1, नरियार में 1, जहांगीरपुर में 2 और आई प्रखंड की पंचायत नियोजन इकाई परमजीवर तराजीवर के एक एक अभ्यर्थी को नियोजन पत्र दिया जाना है। DPO स्थापना जमालुद्दीन ने कहा है कि नियोजन इकाइयों को पदों की संख्या के ने कहा कि नियोजन इकाइयों को पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा भी नियुक्ति पत्र भेजा जाना है। रिक्ति के बाहर स्कूल आवंटन व पदस्थापन तो वेतन नहीं। DPO ने बताया कि सभी नियोजन इकाइयों को स्कूल की रिक्ति उपलब्ध करा दी गई है। स्कूल आवंटन में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो नियोजन इकाई के सचिव जवाबदेह होंगे। संबंधित नियोजन इकाई में अवस्थित स्कूलों में चिन्हित रिक्ति के अनुरूप ही अभ्यर्थी को पदस्थापन कराया जाएगा। एक पद के विरुद्ध एक से अधिक अभ्यर्थी का पदस्थापन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। ऐसा करने पर रिक्ति के बाहर या पदस्थापन माना जाएगा और चयनित शिक्षक को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। नियुक्ति पत्र लेने से पहले शपथ पत्र भी लेना है। सरकारी कार्यालयों में 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी। अधिकारी हो या कर्मचारी, सभी को समय से कार्यालय आना होगा। विलम्ब से कार्यालय आना उन्हें महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार समय से कार्यालय नहीं आने वाले कर्मियों को अब एक क्लिक पर पहचान कर सकेगी, क्योंकि बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है। सचिवालय से जुड़े कार्यालयों में 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू कर दी जाएगी। कब तक कौन सा काम पूरा करना है, इसके लिए गृह विभाग ने टाइमलाइन भी तय कर दी है। गृह विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बायोमेट्रिक उपकरण की खरीद हर हाल में 25 अप्रैल तक सभी कार्यालय के लिए हो जानी चाहिए। बायोमेट्रिक उपकरण के इंस्टॉलेशन का काम 12 मई तक पूरा करना होगा। बायोमेट्रिक हाजिरी की इस व्यवस्था को प्रखंड स्तर के कार्यालयों में भी 1 जून से लागू किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में संविदा पर नियोजित कर्मियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई दिक्कत आती है तो गृह विभाग के IT मैनेजर उमर फारूक से संपर्क कर सकते हैं। वहीं विभागों को भी इसके लिए विभागीय नोडल पदाधिकारी का नाम एवं संपर्क नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।